सब्सक्राइब करें प्रॉब्लम सॉल्व चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों लेके फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो चौक के आपके काफी काम आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो दोस्तों काफी टाइम के बाद में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी काफी टाइम से कुछ अलग प्लेटफॉर्म पे अलग सेगमेंट के ऊपर वीडियो डल रही थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये व्हाट्सएप की जो ट्रिक है जो आपने थंबनेल में पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा। ये आप व्हाट्सएप में हो सकता है कि आप इंटेक्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, आपकी नजरों के सामने हमेशा होता होगा लेकिन आप इनको यूज नहीं करते होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो कि आपके काफी काम आएगी, और रेगुलर जो आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हो रेगुलर बेसिस पे आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो फ्रेंड्स कैसे क्या है वो सेटिंग, कुछ आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगा जो कि दोस्तों आपके व्हाट्सएप का जो चैटिंग का जो तरीका है, जो आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का जो एक्सपीरियंस है वो और बेटर और अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है वो ट्रिक्स, कैसे यूज करने, तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, जहां पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हमारे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा व्हाट्सएप की जो कि आपके काफी काम आएगी। तो इनमें से दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम यहाँ से व्हाट्सएप को कर लेते हैं ऑन। तो जैसे हम यहाँ से व्हाट्सएप को ऑन करते हैं दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ऑन हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या देखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक दोस्तों वो ये है कि आपको पता है कि जब कभी भी आपके पास, आप ये चाहते हैं कि यार अगर आपके पास किसी ने मैसेज भेजा और आप चाहते हैं कि वो मैसेज आप रीड कर लें, लेकिन उसके पास जो है डबल टिक ना जाए, क्योंकि अगर वो ब्लू टिक हो गया तो वो समझ जाता है सामने वाला कि भाई इसने मैसेज देखा लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वो चीज आप कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है अपने, इसको स्लाइड करना है, और स्लाइड करने के बाद आपके पास में यहाँ पे फ्लाइट मोड मिलता है, आपको क्या करना है यहाँ से आपको फ्लाइट मोड करना है एक्टिव। इस तरीके से आपको यहाँ से फ्लाइट मोड एक्टिव कर देना है, और जैसे फ्लाइट मोड एक्टिव करते हैं उसके बाद में आपको जाना है अपने व्हाट्सएप में, जो भी आपके पास में व्हाट्सएप आया उसके मैसेज पे आपको जाना है, इस तरीके से विजिट करना है, और जो कोई भी मैसेज आया उसको आपको बस यहाँ से रीड करना है, जो भी आपका मैसेज है उस मैसेज को आप पढ़िए, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद में आप क्या कीजिए, दोबारा अगेन आपको बैक आके उसके बाद फिर से आप यहाँ से इसको ओपन कर दीजिए। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ पे डिसेबल कर देंगे फ्लाइट मोड, तो आप यहाँ से मैसेज भी पढ़ लेंगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर में आपने मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसके पास ब्लू टिक नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि सामने वाले को पता ना चले कि आप जो है मैसेज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर ट्रिक दोस्तों वो ये है कि आपको क्या करना, सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप को करना ओपन। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे व्हाट्सएप को ऑन करते हैं तो दोस्तों कई बार क्या होता है, आप जब कभी भी किसी मैसेज को आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, जैसे कि मान चलिए यहाँ से ये वाला मैसेज आया, ठीक है। अब ये जो मैसेज आया है आप चाहते हैं कि ये मैसेज जो आया है, ये मैसेज आपके पास जो है इसको आप अभी, मतलब आप अभी बिजी हैं, आप चाहते हैं कि यार इस मैसेज को मैं बाद में पढ़ूंगा, यानी कि अभी इमरजेंसी में, लेकिन ये मैसेज भी आपके लिए जरूरी है और इसको देखना भी जरूरी है, और इस टाइम पे आप इसको इग्नोर नहीं करना चाहते। तो इसके लिए क्या करना आपको, देखिए आपको सबसे पहले इसको आपको होल्ड ऑन करना है, यानी आपको लॉन्ग प्रेस करना है, और लॉन्ग प्रेस करके आपके पास देखिए यहाँ पर ये स्टार का ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके से आपके सामने बहुत बार आया हुआ लेकिन आपने इस पर नोटिस नहीं किया। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टार कर देना, जैसे आप स्टार करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस मैसेज पे यहाँ पर स्टार बन के भी आ गया। सेम इसी तरीके से आप बहुत भी सारे आप यहाँ पर जो भी मैसेज आपको चाहते हैं, जैसे ये मैसेज है, ये वीडियो है, इस वीडियो को भी करना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं स्टार, इस इमेज को करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे इमेज वीडियो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे आपने स्टार कर दिया, अब आप थे बिजी और आपने इसको स्टार कर दिया, आप चाहते बाद में देखना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे बैक करें और यहाँ पे तीन डॉट पे जाना है, और तीन डॉट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है स्टार मैसेज का, तो आप यहाँ पे देखेंगे वो मैसेज सारे आपके पास में यहाँ पर आ चुके होंगे जो आपने स्टार किए होंगे। तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके आप जो भी आपके खास मैसेजेस हैं, जो भी खास आपकी वीडियोस हैं, फोटोज कुछ भी है, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप उनको बाद में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें दोस्तों अगर नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों वो काफी खास है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप के अंदर, जिसके अंदर आप रहना भी चाहते हैं और मतलब आपके लिए जरूरी भी है, और उससे आप निकल, मतलब आप चाहते हैं कि यार उसमें बार बार आपको नोटिफिकेशन ना आती रहे, यार ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसे अगर आपके पास आठ दस या पांच छह आपके पास में ग्रुप्स हो जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप इसके लिए क्या करें कि आप जो है मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर ना ज्वाइन हो पाए, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को करना है ऑन, और व्हाट्सएप को ऑन करेंगे इसके बाद आपको तीन डॉट पे जाना है, जैसे तीन डॉट पे जाएंगे आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने पर आपको यहाँ पे जाना है अकाउंट पे, अकाउंट पे जाने पर आपको यहाँ पे जाना है प्राइवेसी पे, और प्राइवेसी पे जाने पर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलता है देखिए
ग्रुप्स का। तो आपको इस पे ग्रुप्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास में यहाँ पे चार ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है कि लिखा हुआ है हु कैन एडेड मी टू ग्रुप्स। तो यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक करते तो हर कोई आपको ग्रुप में ऐड कर पाएगा। और यहाँ माई कॉन्टैक्ट यानी जिन जिन लोगों के पास आपका कॉन्टैक्ट है वही कर पाएंगे। बाकी इस तरीके से तो मैंने जैसे नॉर्मलिटी कर रखा तो कोई भी नहीं ग्रुप के अंदर कर पाएगा। तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से ताकि आपको कोई भी ग्रुप के अंदर ऐड ना कर पाए। अब फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार क्या होता है कि आपको अभी जब कभी भी आप कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, तो सामने वाला बोलता है कि यार लाइव लोकेशन, लाइव लोकेशन, लाइव लोकेशन भेजो कि भाई कहां पर। तो कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि ये लाइव लोकेशन कैसे भेजते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां पे सीख लीजिए लाइव लोकेशन कैसे भेजना। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पे जिस कॉन्टैक्ट को भेजना है उस पर क्लिक कीजिए और आप देखेंगे यहां पे अटैचमेंट का ऑप्शन है। देखिए इस तरीके से इस अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे इस आइकन पर कैमरे वाले के बगल में और यहाँ पे आता है लाइव लोकेशन का। आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो है अगेन अलाउ कर देते हैं और जैसे ही अलाउ होता है इसके बाद यहाँ पे आता है पूछता कि भाई आपको क्या भेजना है। यहाँ पे शेयर लाइव लोकेशन भेजना है, इस तरीके से कोई लोकेशन भेजना है। तो जैसे आप शेयर लाइव लोकेशन पर क्लिक करते हो यहाँ पे कंटिन्यू करना और यहाँ से पूछता कितने देर के लिए आप इसको एक्टिव रखना चाहते हैं, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 15 मिनट के लिए इसको एक्टिव करके कोई मैसेज टाइप करना चाहते हैं कोई मैसेज भी टाइप कर सकते हैं और बाकी आप इसको शेयर कर देंगे। जैसे शेयर करेंगे सामने वाले के पास में 15 मिनट तक ही एक्टिव रहेगा, यानी आपकी सारी लोकेशन को वो ट्रैक करता रहेगा। आप नहीं चाहते उसके साथ शेयर करना तो आप यहाँ पे आसानी से इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके जो है आसानी से है जो अपनी लाइव लोकेशन को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स तो बात करें दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक, दोस्तों वो काफी खास है। आप चाहते हैं किसी के बारे में जानना, यानी सामने वाले के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई सामने वाला जो है किस किस से और किस किस टाइम पे कैसी बात करता है, पूरी डिटेल यानी हर एक डिटेल जानना चाहते हैं उसके बारे में, व्हाट्सएप की पूरी डिटेल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे व्हाट्सएप को करना ऑन और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है 3 डॉट पे, उसके बाद में आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपके पास में यहाँ पर ध्यान से समझना है इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके बाद क्या करना है ध्यान से समझना है। इसके फ्रेंड्स आपको जाना है यहाँ पे अकाउंट पे और अकाउंट पे जाने के बाद आपके पास ये देखें आपकी एक ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है आपके पास में यहाँ पे रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। आपको इस पर बस करना है क्लिक और जैसे क्लिक करते तो आपके पास में यहाँ पे देखें लिखा आता है कि रिक्वेस्ट रिपोर्ट। तो आप यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि योर रिपोर्ट विल बी रेडी इन अबाउट 3 डेज। तो आपको जैसे इस पर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया कि 19 तारीख को ये आपने अप्लाई किया है। अब आपके पास में यहाँ पर जो है 19 आज है तो इसको जो है आने में कम से कम यानी कि जो पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे वो डाउनलोड कर पाएंगे रिपोर्ट आप 22 तारीख को, यानी 22 तारीख की डेट में आप आसानी से रिपोर्ट डाउनलोड करके सब कुछ देख पाएंगे, पूरी हिस्ट्री, पूरी डिटेल। तो फ्रेंड इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके जो है पूरी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं कि सामने वाला जो है किससे बात करता है, कहाँ बात करता है। दोस्तों बात करें दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों ये है कि आपको पता भी देखेंगे जो पूरा व्हाट्सएप ये चल रहा है ऐसे व्हाइट मोड पे। अब देखिए यहाँ पर लोग जो है इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये जो है नाइट मोड में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आंखों को काफी इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आपको डार्क मोड कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपको करना है 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे सेटिंग पे जाना है और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे चैट पे। जैसे चैट पे जाएंगे आपके पास यहाँ पे देखें ऑप्शन मिल जाता है थीम लाइट का, थीम पे क्लिक करना, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है लाइट या डार्क। तो आप यहाँ पे लाइट पे सिलेक्ट, इसको डार्क पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए डार्क मोड में पूरा ये कन्वर्ट हो गया। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इसको डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये सारी की सारी ट्रिक्स आपके काफी काम आएगी, इन सारी ट्रिक्स को आप इस्तेमाल कीजिए और आपके व्हाट्सएप के जो एक्सपीरियंस उसको और बेटर और अच्छा कर देगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएगा अगर आपकी और भी कोई डिटेल और कोई किस तरीके की और भी ट्रिक्स आप जानना चाहते हैं व्हाट्सएप के बारे में, तो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपका अगर कमेंट आता डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो बस फ्रेंड वीडियो चले इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सभी के साथ ताकि उन सभी को इस ट्रिक के बारे में पता लग सके। हो सकता है कुछ ट्रिक आपको इनमें से पता हो सकता है शायद कुछ ट्रिक आपको ना पता हो, लेकिन हाँ अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो को भेजिए ताकि जिनको नहीं पता उन तक कोई वीडियो मिल सके। तो फ्रेंड बस चैनल को ले सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।